बैक. मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से. आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ. आप हमारे बहुत सारे लाइव वीडियोस देख रहे हैं, लाइव वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, वो होप्स हो कि आपको वो यूज़फुल लग रहे. अभी मैं आज एक नया लाइव वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही नया रहेगा. आपकी मानो डिलीवरी हो गई, सब अच्छा हो गया, आपको थर्ड डे पे डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, फिफ्थ डे पे जब भी आपको फॉलोअप के लिए बुलाया तभी एकदम से डॉक्टर ने आपको बोला कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पीला दिख रहा है, आपके बच्चे को जॉइंडिस है, अभी आपको एडमिट होना पड़ेगा. तो आप एकदम से डर जाते हैं. बीइंग अ पेरेंट्स, एक तो नया नया रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, अभी डॉक्टर ने एडमिट होने को बोला है, ये जॉइंडिस क्या रहता है, फिर इसको फोटोथेरेपी लगानी है. तो ये सब चीज़ों की वजह से स्पेसिफिक मेनली जो मदर रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती, रोने लगती है, उसको नींद नहीं आती है, अभी ऐसे कैसे करेंगे. तो जनरली हम लोग ये जो जॉइंडिस का ट्रीटमेंट रहता है उसके लिए हम लोग फोटोथेरेपी लगाते हैं. तो आज के वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं कि अगर आपके बेबी को जॉइंडिस डिटेक्ट होता है तो उसको फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट कैसे देते हैं. अभी फोटोथेरेपी की ट्रीटमेंट दो टाइप की रहती है. अगर आप बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है, मानो कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप एक रूम में है और फिर फोटोथेरेपी के लिए बेबी NICU में रखा जाता है. NICU इज लाइक ICU जहाँ पे बच्चा रहता है और डॉक्टर्स रहते हैं और नर्सेस रहते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ विजिट के लिए बुलाते हैं. और सेम ऐसे फोटोथेरेपी के लाइट लगा देते, बच्चे को पूरा खुला रखते हैं, बच्चे को सिर्फ डायपर लगाते और आइज को कवर करते, जेनाइटेलिया और आइज को कवर करते, क्योंकि ये जो लाइट है वो उसको डैमेज कर सकते हैं. और बच्चा आपके सामने नहीं रहता है, आपको अलग से रूम लेके रहना पड़ता है. लेकिन हमारे जैसे नर्सिंग होम वाले लोग हैं जो एक्सक्लूसिव मैटरनिटी होम रन करते, उसमें हम लोग क्या करते कि एक रूम देते हैं, रूम में मदर भी रहती है. अभी ये बच्चे की माँ यहीं पे बेड पे है और बच्चे को हम लोग क्रैडल में रखा है. देखो, ये डबल सरफेस फोटोथेरेपी मशीन बोलते हैं हम लोग, तो दो मशीन हम लोगों ने लगा के दिए है. अभी ये बच्चा ऑलरेडी NICU में शिफ्ट हुआ था, उसका डॉपलर में चेंजेस थे, इसलिए हम लोगों ने इमरजेंसी में 37 weeks 2 days को डिलीवरी किया था. उसको तभी ऑक्सीजन लगा था. देखो बच्चा मेरा कैसे हाथ पकड़ रहा है, बेबी काफी एक्टिव है. तो उसका ब्रीदिंग रेट सेटल नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको NICU में शिफ्ट किया था. वो एक ऑन एन एवरेज 3 दिन NICU में रहा था. उसके बाद में एक 4th या 5th day पे उसको जॉइंडिस शुरू हुआ, क्योंकि बच्चा थोड़ा जल्दी पैदा हुआ था. थेरोटिकली 37 weeks इज द लंग मैच्योरिटी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं कि जब भी 37 weeks को पैदा होते हैं उसको बॉर्डर लाइन प्री मैच्योरिटी बोलते हैं. तो वो बच्चों को जॉइंडिस होने के चांसेस रेगुलर 38-39 weeks के बच्चों से थोड़ा ज्यादा रहता है. तो ये बच्चे के साथ भी सेम हुआ. पहला रीडिंग था उसका 14, तो 14 पे हम लोगों ने दो मशीन स्टार्ट किए. बच्चे को आइडियली 24/7 ये लाइट के अंदर रखना चाहिए रहता है. और ये जो लाइट है आपको देख के लगेगा कि अरे ये लाइट से तो बच्चे को गर्म लगेगा, बच्चे को तो खुला रख रहे हैं. बीइंग अ पेरेंट ये देख के बहुत ऐसे ट्रॉमा होता है कि अरे बच्चे की आंखों को कवर किया है और मेरा बच्चा तो खुला रख दिया डॉक्टर ने, उसको लाइट की वजह से बर्निंग हो सकता है स्किन को. लेकिन ये जो लाइट है ना, दिस इज ओनली लाइट जो दिख रहा है, एक्चुअल इसमें हीट वेव्स कुछ भी नहीं है. तो ये फोटोथेरेपी की लाइट है जो बच्चे का जॉइंडिस कम करते हैं. प्लस आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग रहता है, आप जितना अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेंगे बच्चे को उससे भी आपके बेबी का जॉइंडिस कम होता है. तो हम लोग मैक्सिमम टाइम बच्चे को फोटोथेरेपी के लाइट के अंडर रखते हैं ताकि उसका जॉइंडिस कम हो जाता है. अभी इसमें आपको कौन से प्रिकॉशन लेना है. प्रिकॉशन मेनली आपको बच्चे के आईज कवर है या नहीं वो देखना है, और बच्चे को कांस्टेंट आपको डायपर लगा के ही रखना है, क्योंकि ये जो लाइट वेव्स है या लाइट है वो आंखों के लिए और बच्चे के जेनिटेलिया के लिए अच्छे नहीं रहते. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको जितना जमता है उतना बच्चे को इसमें रखो. जनरली क्या ऑब्जर्वेशन देखा है हम लोगों ने, बच्चे को हम लोग घर पे ऐसे पूरा रैप करके रखते है और यहाँ पे पूरा खुला छोड़ देते है, तो पहले दिन बच्चे एडजस्ट नहीं होते क्योंकि उनको रैप करके सोने की आदत रहती है. और यहाँ पे हम लोग पूरा खुला छोड़ देते तो वो रोना धोना करते, ड्रामा करते, और फिर हम लोग उस चक्कर में बच्चे को बाहर निकालते, अरे बच्चा रो रहा है. तो बीइंग अ मदर आपको जितना जमता है उतना ट्राई करना है कि मैक्सिमम टाइम आप बच्चे को फोटोथेरेपी में रखो ताकि उसका जॉइंडिस जल्दी कम हो जाएगा और आपको डिस्चार्ज जल्दी मिलेगा.
तीसरा इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन आपको फॉलो करना है कि आप जितना जमता है उतना बच्चे को ब्रेस्ट फीड करो, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी जॉइंटिस जल्दी कम हो जाता है। तो ये तीन चीजें इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है जब भी आपके बेबी को जॉइंटिस होता है, फोटोथेरेपी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो ये तीन प्रिकॉशन आपको फॉलो करना है। और ऐसे देखो, बच्चे को कुछ भी हार्म नहीं है तो डरने जैसा भी नहीं है कि अरे हमारे बच्चे को लाइट में रखा है। बच्चे आपके आंखों के सामने है, आप जब भी चाहिए तभी बच्चे को देख सकते हैं। ये बच्चा तो देखो अभी अच्छे से खेल रहा है, उसका फीडिंग हो गया, उसकी नींद हो गई, तो वो हाथ पैर हिला रहा है, अपने आप खेल रहा है वो इसमें लाइट में। तो ये लाइट ही बच्चे का जॉइंटिस कम करता है। अभी ये लाइट कितने देने हैं वो हम लोग आपके बिलिरुबिन का जो लेवल है बच्चे का उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। अभी 14-15 इज बॉर्डर लाइन लेवल, इसमें इसलिए हम लोगों ने दो मशीन लगाए हैं। एकदम अगर बच्चे का जॉइंटिस बहुत ज्यादा है, 17-18 है, तो हम लोग तीन मशीन लगा देते, फिर इसके अंदर का जो गद्दी है वो निकाल देते और नीचे से भी लाइट लगाते, तो उसको हम लोग बोलते ट्रिपल सरफेस फोटोथेरेपी। इसके बियॉन्ड भी अगर बच्चे का बिलिरुबिन अगर 20 के ऊपर गया, तो 20 के ऊपर अगर बिलिरुबिन जाता है तो बच्चे के ब्रेन को डैमेज हो सकता है, वो बच्चे को कन्वर्जन आ सकते हैं। और आप जितना रुकेंगे डिसीजन लेने के लिए, नहीं और एक दिन रुकेंगे बाबा, फिर कल एडमिट हो जाएंगे, परसों एडमिट हो जाएंगे, तो बच्चे का जॉइंटिस जो है वो बढ़ने लगता है, बिलिरुबिन की लेवल बढ़ने लगती है। और वो बिलिरुबिन अगर 20 के ऊपर गया तो बच्चे को झटके आ सकते, कन्वर्जन आ सकते, बच्चे के ब्रेन को डैमेज होता है, और उस केस में फिर आपके बेबी को NICU में एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। जॉइंटिस यानी क्या, बिलिरुबिन यानी क्या, कि बच्चे के जो RBCs है, रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन हो रहे और उसका वेस्ट प्रोडक्ट है बिलिरुबिन, तो वो बिलिरुबिन बढ़ते 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 ब्रेन को डैमेज करता है। फिर उस केस में वो सब जो खराब ब्लड है उसके बॉडी से निकालना पड़ता है और अच्छा खून बच्चे को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, उसको हम लोग एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो आपके डॉक्टर अगर आपको बोल रहे हैं कि आपके बेबी को जॉइंटिस है बाबा और आप एडमिट हो जाओ फोटोथेरेपी के लिए, तो बेटर रहेगा कि आप तुरंत डिसीजन ले लो और टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करो ताकि बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर आपके बेबी को जॉइंटिस होता है तो हम लोग फोटोथेरेपी का लाइट कैसे लगाते हैं, बच्चे को कैसे रखते हैं, बच्चे का क्या क्या प्रिकॉशन अपने को लेना रहता है, और उसका फॉलोअप विजिट कैसे करना पड़ता है। फॉलोअप के लिए जनरली हम लोग बिलिरुबिन का लेवल ही चेक करते हैं। अभी ये बेबी का बिलिरुबिन स्टार्टिंग में 14 था, तो अभी हम लोग एक 48 आवर्स के बाद रिपीट कर रहे हैं। जनरली 24 आवर, 36 आवर्स एंड 48 आवर, ऐसे वो रिपीट बिलिरुबिन का सैंपल लेते हैं पीडियाट्रिशियन, और उसका लेवल देख के वो लोग डिसाइड करते कि वो 2 से 1 मशीन करना है बाबा या बेबी को डिस्चार्ज करना है। बाद में फॉलोअप के लिए फिर से वो 1 वीक के बाद बुलाते। तो देखो बेबी जो है अभी काफी एक्टिव है, बीच बीच में वो रो रहा है, उसने थोड़ा सा उल्टी किया है, उसको गीला लग रहा है, इसकी वजह से वो रोना स्टार्ट किया है बच्चे ने। तो फ्रेंड्स, होप्स हो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने वही देखा है कि फोटोथेरेपी के लाइट कैसे लगाते हैं, आपके बेबी को एडमिट कब करते हैं, एडमिट करने के बाद बच्चे का क्या क्या टेक केयर करना है, आपको कौन से प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, और डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कब करेंगे। तो होप्स हो कि आपको ये यूजफुल लगा, तो हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करो और हम लोग को ऐसे ही फॉलो करते रहो। थैंक यू।